गदर 2 के सक्सेस के बाद सनी देओल को लेकर सारे मेकर्स अब सीक्वल बनाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सनी देओल के जितने पुराने पुराने हिट फिल्म है उसका अगर सीक्वल बनाना जाए तो ये भी हिट हो सकती है, क्योंकि सनी देओल का गदर 2 हिट हुई है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाकर कहा था कि बॉर्डर 2 बनने वाली है, तो आज ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आया है कि बॉर्डर 2 बनने वाली है। सनी देओल ने एक पोस्ट कर बताया है कि एक फौजी 27 साल बाद अपने पुराने वादे को पूरा करने के लिए फिर से लौट रहा है, और ये 27 साल बाद यानी 1997 को बॉर्डर जो ओरिजिनल मूवी जेपी दत्ता जिसको डायरेक्ट किया था वो मूवी रिलीज हुई थी, तो आज 27 साल बाद ये मूवी फिर से बनने वाली इस महीने इस साल की अक्टूबर महीने से, और इसको डायरेक्ट करेंगे अनुराग सिंह जिन्होंने केसरी मूवी डायरेक्ट किया है। तो ये जो मूवी है ना, ये मूवी को रिटन मतलब लिखा है जेपी दत्ता की बेटी निधि सिंह ने, और इस मूवी को जॉइंटली प्रोड्यूस करेंगे टी सीरीज के भूषण कुमार और जेपी फिल्म्स यानी जेपी दत्ता के फिल्म्स, ये जॉइंटली प्रोड्यूस करेंगे। इस मूवी में एक रोल करने वाले आयुष्मान खुराना, अभी भी इसका ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है लेकिन ऑलरेडी मुझे पता चल चुका है कि भाई आयुष्मान खुराना एक रोल करने वाला है। ये मूवी का स्टोरी है बैटल ऑफ लोंगेवाला के ऊपर, मतलब लोंगेवाला एक जगह है राजस्थान की बॉर्डर एरिया, इस जगह में इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का जो जंग हुआ था 1971 में, वहां पे एक जंग लड़ा गया था 4 दिसंबर टू 7 दिसंबर, ये 4 दिन में ये जंग लड़ा गया था। ये कुछ स्टोरी ऐसा है कि 4 दिसंबर को जब बीएसएफ के लोग वहां बॉर्डर में पेट्रोलिंग कर रहे थे रात को, तो अचानक उन लोगों ने कुछ आवाज सुना दूर से, देखा कि अराउंड 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 40 टैंक्स इंडिया की ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने हेडक्वार्टर को बताया, तो हेडक्वार्टर ने के से उन लोगों ने फोर्स मांगा, लेकिन हेडक्वार्टर ने कहा कि अब तुम लोग इसे थोड़ा प्रोटेक्शन दो, हम लोग भेज रहे हैं। तो वहां पे 120 इंडियन सोल्जर और 7 इंडियन फाइटर जेट ने ये जंग लड़ा था, और ये जंग उन लोगों ने जीती भी थी, और ये जो जंग है इस जंग के ऊपर ही ये मूवी आधारित थी, यानी 4 दिन का जंग है और इस जंग इस मूवी में दिखाया जाएगा। ये जंग मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में लड़ा गया था, और सनी देओल मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल कर रहा है। इस मूवी का अभी भी कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जितना पता चल रहा है ये मूवी 2026 के 26 जनवरी को रिलीज हो सकती है, क्योंकि 25 यानी नेक्स्ट साल की 26 जनवरी को सनी देओल की और एक मूवी लाहौर 1947 में रिलीज होगी, और इस मूवी उनकी ऑपोजिट में प्रीति जिंटा, और इसको डायरेक्ट कर राजकुमार संतोषी और प्रोड्यूसर है आमिर खान। तो इस मूवी के अराउंड 1 साल बाद ये मूवी रिलीज किया जाएगा, क्योंकि देखिए हर बार एक ही साल में अगर उनकी दो दो पेट्रियोटिक मूवी रिलीज होती है तो ऑडियंस के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए 1 साल का गैप रखा जाए, और इन बिटवीन और भी 2 मूवी सनी देओल की रिलीज होगी। तो देखते आखिर में इसका ऑफिशियल रिलीज डेट कब अनाउंस होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।